वेलकम टू द चैनल गाइस। और ये मोटो व्लॉग में हम लोग टेस्ट करेंगे NS400G की हेडलाइट कि इसकी थ्रो कितना है, DRL का थ्रो कितना है, लो बीम वाली थ्रो कितना है और हाई बीम वाली थ्रो कितनी है, और रोड पे भी चलाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। तो अभी बाइक को जैसे स्टार्ट करते हैं तो DRL जलेगा। यह है इसका DRL का थ्रो जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप स्लो स्पीड में चल रहे हैं और लोकेलिटी में चल रहे हैं तो काफ़ी अच्छा थ्रो है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं नाइट टाइम। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ओबियसली रात में ड्राइव कर रहे हैं तो लो बीम को यूज़ करें। लो बीम इसका इंजन स्टार्ट होने के बाद होगा। यह भी इसकी DRL ही है, बस ब्राइटन अप हो गई है। और लो बीम को करने के लिए हम लोग इसको टॉगल कर देंगे स्विच को। तो ये हो गया आपका लो बीम जिसमें काफ़ी अच्छी ब्राइट लाइट है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, और वो सामने जो दीवार दिख रही है उस पे एक लिमिट टाइप का बना हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है इनिशिएटिव। अगर सामने से कोई आ रहा है तो उसके आंखों में नहीं लगेगा, भले ही कार आ रहा हो या बाइक से टू व्हीलर से लोग आ रहे हैं तो उनको आँख में हमारी लाइट नहीं लगेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है। और हाई बीम करने के लिए यहाँ से हाई बीम कर लेंगे तो देखिए ऊपर का सब कुछ दिखने लगा। तो काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन की है इस हेडलाइट को बजाज वालों ने, और काफ़ी ब्राइट है जो कि 400cc में ब्राइट लाइट ही लगेंगी क्योंकि काफ़ी स्पीड में आप चलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी विज़न क्लियर होनी चाहिए। तो हाई ये रहा लो बीम, और हाई बीम देखिए ऊपर तक पूरे दिख रही है। वैसे तो DRL भी काफ़ी अच्छी है, DRL का भी थ्रो, मतलब आप गली में चल रहे हैं स्लो स्पीड में चल रहे हैं तो DRL इज़ एनफ। जैसे अभी देखिए अभी ऐसे कर दिए तो DRL से ही काम चल रहा है मेरा, और हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है अगर कम स्पीड में चल रहे हैं और लोकल में चल रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं हमको लो बीम मतलब और ज़्यादा लाइट चाहिए तो ये लो बीम कर दीजिए। देखिए वहाँ तक अब दिख रहा है और ये काफ़ी बहुत ही ब्राइट है। और जो वो लाइन वाला देखिए, जैसे आगे बाइक्स जा रही है, तीन बाइक्स जा रही है, तीनों के जो ड्राइवर का हेड है उसके नीचे तक ही मेरी लाइट रह रही है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। इसको सारे बाइक्स सारे कार्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये हाई बीम भी काफ़ी ऊंचा जाता है और लो बीम का लिमिटर दे के बहुत अच्छा काम किया है बजाज वालों ने। जो रात को जैसे मेरे सामने से अगर कोई आ रहा है ना तो उन लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे लाइट से, कितना भी ब्राइट क्यों ना हो। तो इसको सारे कार्स में सारे बाइक्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। नहीं तो हाई बीम से कितनी प्रॉब्लम होती है वो तो हम सबको मालूम है। जैसे अभी ट्रक्स लाइन में दिख रहे हैं, हाई बीम अगर करता हूँ तो देखिए ऊपर तक ट्रक दिख रहा है, लो बीम पे एक नीचे तक ही दिख रहा है। तो हाई बीम भी काफ़ी पावरफुल है। अगर आपको लगता है आपको हाई बीम में मतलब हाई बीम यूज़ करना है, मतलब अगर आप माउंटेंस में चला रहे हैं या जंगल वगैरह में चला रहे हैं तो हाई बीम यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही वाइड मतलब थ्रो एंगल है इसका लाइट का। देखिए कम्प्लीटली डार्क है और DRL पे हम लोग चल रहे हैं, और ये देखिए लो बीम इसका, ये है लो बीम, कितनी पावरफुल है, एकदम आगे तक हम लोग को दिख रहा है, आगे 300 मीटर 400 मीटर तक पूरा दिख रहा है कि कहाँ क्या है। तो उसके वजह से आपको दिक्कत कोई नहीं होने वाली, लाइट आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाने हैं। यहाँ पेट्रोल पंप आ गया, यहाँ से हम लोग रिफ्यूल हो जाते हैं, फ्यूल अप कर लेते हैं। पूरा फुल हो गया है यार पेट्रोल, अभी मज़ा आ रहा है पूरा। देखिए ग्रीन, ये अलग लेवल का हैप्पीनेस है भाई, अलग लेवल का हैप्पीनेस है ये। हमको तो पर्सनली ये वाला सेटअप काफ़ी अच्छा लग रहा है हेडलाइट का। भाई
जो भागती है ना ये बाइक, क्या ही बोले। और उसी लेवल का आपको हेडलाइट भी मिल जाता है, काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी विजन क्लियर आपका रहेगा। कितना भी आप स्पीड में जाइए कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हाई बीम लो बीम, काफ़ी मज़ा आ रहा है रात में चला के इसको। और आपको एक्स्ट्रा लाइट जैसे लगवानी पड़ती है, नेकेड बाइक्स में जनरली जगह कम होता है तो कंपनी लाइट फिट कम करती है, लेकिन ये प्रोजेक्टर सेटअप काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी ब्राइट है और काफ़ी वाइड है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइट तो नहीं लगानी होगी। एक्शन कैम के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो एक्शन कैम में जनरली थोड़ा सा लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। तो भाई लोग व्लॉग को एंड करते हैं और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको लाइट्स कैसी लगी।